हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। फिर से नए लोगों के साथ नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों लोगों का इंट्रो देख लो, बहुत ही खूबसूरत हम स्वा यानी के हंस की शक्ल में एक हम लोगो बनाना सीखेंगे दोस्तों। तो ये जो चलो आगे बताएंगे हम आपको क्या करना है। सॉरी, तो पिक्सल लैब को आपको हमेशा से ओपन कर लेना है, जो प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। सबसे पहले हम इसका साइज सेलेक्ट कर लेते हैं, यूट्यूब थंबनेल वाला, और हम जाएंगे पहले सेम में दोस्तों। जाने के बाद में इसका हम सर्कल से लाएंगे और इसका ब्लैक कलर दे देंगे दोस्तों। ब्लैक कलर देने के बाद में इसको पोजीशन से बिल्कुल सेंटर में रख लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने गूगल क्रोम से एक ये हंस की एक फ़ोटो ये की है मैंने PNG डाउनलोड। तो दोस्तों आपको भी आसानी से मिल जाएगी अगर आपको यही बनाना है। तो देखो किस इस तरह से कर लेना है दोस्तों। तो ये वीडियो में जो लोगो बना रहा हूँ ये बहुत ही खूबसूरत लोगो बनेगा, एक बहुत ही खूबसूरत ये हंस है ये दोस्तों। ये लगेगा आपको पीकॉक, मगर ये पीकॉक नहीं है दोस्तों, ये हंस है दोस्तों। तो इस तरह से हम इसको रख लेना है दोस्तों। इस तरह से हम इसका स्ट्रोक देना है अभी दोस्तों। सबसे पहले स्ट्रोक हमने दे दिया था इसका, तो जितना आपको ज़रूरत है उतना ले लेना। और हाँ दोस्तों, साथ साथ में लाख जो भी प्रोजेक्ट पर काम करोगे दोस्तों उसको लाख लगा लेना। लाख लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हिल जाएगा तो फिर सब कुछ ख़राब हो जाता है दोस्तों। तो चलो आगे चलते हैं हम दोस्तों। सबसे पहले हम शेप पे फिर से गए, शेप पे इसको फिर सर्कल शेप ला के और इसका वाइट कलर का स्ट्रोक दे दिया दोस्तों। तो इसको हम इसको किस इस तरह से हम इसको सेट करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से दोस्तों। ये देखिए जिस तरह से मैं सेट कर रहा हूँ, और इसको जो मैंने ये हंस है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया, क्योंकि इसको बिल्कुल सेंटर में हमने रख देना है, क्योंकि चिपका नहीं होना चाहिए दोस्तों, मिला हुआ नहीं होना चाहिए इस सर्कल से। तो दोस्तों ये हो गया हमारा काम फिट, एकदम हमने सब कुछ फिट कर लिया है दोस्तों। अब आगे काम करते हैं। देखो शेप में से कुछ इस तरह से का मैंने शेप लाया है, जो आपको आसानी से मिल जाएगा वहाँ से। तो इसको आराम आराम से इसको हम सेट करेंगे बिल्कुल साइज छोटा, और इसको क्या करेंगे हम इसको सेट कर देंगे कहाँ पर, जहाँ पर मैं कर रहा हूँ दोस्तों। तो इससे बहुत ही खूबसूरत हमारा लोगो बनकर तैयार होता है दोस्तों। तो ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखोगे सकिप मत करना प्लीज़। और नए चैनल पर हो तो दोस्तों लाल बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल दोस्तों, और घंटी को आल पर रख देना दोस्तों। उससे क्या होगा दोस्तों, जो भी कोई भी वीडियो हर दिन में वीडियो डालता हूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी दोस्तों। तो ये देखो इसी की कॉपी मैंने कर ली थी इसी शेप की, और राइट साइड में भी मैंने इसी तरह इसको सेट कर देना है दोस्तों। इस तरह सेट करने के बाद में दोस्तों आगे का काम हमारा चालू होता है दोस्तों। आगे जो काम होता है, एक स्टार शेप में ले आया हूँ दोस्तों, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो इसका मुझे ब्लैक कलर कर देना है। आप ध्यान से देखो राइट साइड में क्या क्या मैं लाता हूँ, क्या क्या करता हूँ। तो स्टार शेप को हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम छोटा सा इस तरह से कर लेंगे दोस्तों, और यहाँ पे इसके ऊपर हम बिल्कुल सेंटर में हम इसको सेट करेंगे दोस्तों, कुछ इस तरह से। देखिए जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, और ये चेक बॉक्स की मदद ले लिए दोस्तों। इससे हमें क्या हो जाता है, इससे हमें पता लग जाता है कि हमारा कहाँ पर काम कर रहा है, कोई उल्टा सीधा ऊपर नीचे तो नहीं काम हो गया दोस्तों। तो फटाफट हम इसको राइट किसकी कापी स्टार्ट करके और फटाफट इधर से ले आएंगे दोस्तों। इधर से लाने के वास्ते दोस्तों आप देखो अगला काम हमारा क्या शुरू होता है, इसको भी हम अच्छी तरह सेट कर लेंगे दोस्तों। हो गया एकदम परफेक्ट हो गया है। अब यहाँ तक का हमारा काम जो हो गया फिट के हो गया दोस्तों, ये सब कुछ। तो अब आती है टेक्स्ट की बारी दोस्तों। टेक्स्ट में मैं बार बार आपको बताता हूँ दोस्तों क्या करना होता है। देखो यहाँ पर तो मैं आपको दोस्तों को अपने भाइयों को बता रहा हूँ कि यार कैसे करना है क्या नहीं करना है। तो ये टेक्स्ट में ये जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको नहीं लिखना, वो तो आपको पता क्या लिखना है दोस्तों, अपने ही प्रोफाइल का जो नाम लिखना है, चाहे इंस्टा की हो, चाहे टेलीग्राम की हो, चाहे फेसबुक की हो, चाहे व्हाट्सअप की हो, क्योंकि लोगों तो आप उसी के लिए बना रहे हो ना दोस्तों, जो उसी के लोग, चाहे अपने फेसबुक चैनल के लिए बना रहे हो, जिस चीज़ के लिए बना रहे हो, तो आपको वही नाम लिखना है दोस्तों। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही खूबसूरत लोगो बनेगा, बहुत ही मनपसंद। लोग भी आपके दोस्त बोलेंगे यार कहाँ से इस तरह का लोगो लाते हो। ये देखिए हमारा ये फिट हो गया दोस्तों। इसको हमें क्या करेंगे, राइट साइड में कुरवो होता है, इसको बेंडिंग कर देंगे हम इस तरह से कुरवो में जाने के बाद में। तो इसको आराम आराम से हम सेट करेंगे, इसको छोटा कर लेंगे थोड़ा सा दोस्तों। अगर चिपक गया ना इनके ऊपर जो मैंने डिजाइन रखा है, उसको हमें वापस लाना है। तो ध्यान से रखना दोस्तों इसका। देखो मैंने टेक्स्ट का ब्लैक कलर लिया था और स्ट्रोक इसको वाइट दिया है दोस्तों, तो ये समझने की बात होती है। तो इसको हम क्या आराम आराम से सेट करेंगे, कुरवो से ही सेट करना, क्योंकि ये वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए, बराबर हमारे जो है ना शेप यानी कि जगह बराबर रुकनी चाहिए, बचनी चाहिए दोस्तों। तो जिसकी हम एक कापी ले लेंगे दोस्तों। कापी लेने के बाद में दोस्तों आप देखो इस पर हम लिखेंगे कुछ और, मैं फ़िलहाल अपने चैनल का ही नाम लिख देता हूँ, ट्रस्ट होल ज्ञान दोस्तों। तो दोस्तों
ये देख लिखने के लिए बाद में आप देखो, ध्यान से देखो अब क्या करना है दोस्तों। ये हो गया हमारा फिट। इसको मैंने क्या दिया, सबसे बाल फोंट की, जो फोंट आपके जो भी चाहिएगा वो ले सकते हो। तो ये फोंट का नाम है म्यूरा, तो ये मैं लिया हूँ। ऊपर वाले का भी आपको ने पोज करके देख लेना है। तो सबसे पहले इसको हम सही कर देंगे दोस्तों, स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब समझते हो दोस्तों, अभी ध्यान से देखो, देखो ये चिपका चिपका है ना, इसको हम खुली कर देंगे। स्पेसिंग यही होती है, राइट साइड में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो इसको करके देखो हमें क्या कर लिया है, इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से सेट कर लिया है। और हाँ, इसका सेट करने का मतलब जो होता है दोस्तों, इस पर मैंने कोई ब्लैक कलर नहीं दिया, इसको सीधा मैं वाइट कलर ही रखूँगा। यह आपको बाद में समझ में आ जाएगा हमने क्या किया है दोस्तों। ये हो गया हमारा, आराम आराम से फिट कर लेना है, बहुत ही बढ़िया तरह फिट कर लेना है। तो अब ये देखो सबका हमारा काम हो गया। अब फिर हम लेयर पे जाएंगे, लेयर पे जाके हमें चेक बॉक्स करके ओके कर देंगे बीच वाले से। तो बीच वाला जो टूल है हमारा, उस पर ओके हो जाता है। ये देखो सिंगल इमेज हो गई। अब जाते हैं इरेज कलर पर। आपको पता है राइट साइड में इरेज कलर है, ये देखो यहाँ पर इरेज कलर में जाने के वास्ते दोस्तों, इसको हम क्या टोलरेंस जो होता है, ये इसका जो ट्यून, ये इसको कम ज़्यादा हम करके देखेंगे। ये ध्यान से देखने की बात यही होती है दोस्तों, फिर बाद में बोलेंगे ये क्या हो गया। तो कुछ इस तरह से हमें कर देना है। ये हो गया हमारा, फिर से लेयर पे जाके इसको हमें परफेक्ट हमें क्या ओके कर देना है दोस्तों। ये हो गया। अब दोस्तों आगे चल, इसको हम सेंटर में रख लेते हैं। सेंटर में तो हमारे एकदम परफेक्ट काम हो चुका है। परफेक्ट काम होने के बाद में एडिटिंग का मान समझो हमारा काम ख़त्म हो चुका है। अब बारी जो आती है दोस्तों, इसको टेक्सचर देने की बारी आती है। टेक्सचर जो देना है ना, आप चाहे गोल्डन दो, ब्लू दो, स्काई ब्लू दो, जो आपकी पसंद है, जो आपको लोगों में कलर आपको दिखाना है वो आपको ढूंढ लेना है गूगल क्रोम से, अगर आपके पास नहीं है। या ऐसे भी आप, हम यहाँ पर राजशहर में टूल में हमारे कलर मिल जाता है बहुत सारा, वो भी आप दे सकते हो दोस्तों। तो मेटेलिक कलर जो होता है वो गूगल क्रोम से आपको मिल जाएगा, वो बहुत आसान से मिल जाएगा और उसका आराम से यूज कर लो आप। देखो जो भी इतने सारे मैंने मेटेलिक कलर है, जो भी कलर आपको चाहिए वो आपको कर ढूंढ लेना है। तो मैं एक कॉपर कलर इसको आज दूंगा, देखिए ये आसानी से आपको गूगल क्रोम में मिल जाएगा दोस्तों। देखिए हमारा ये परफेक्ट हो गया है। अब इसको मुझे क्या कर लाना है, 3D ये जो है यहाँ पे शेप, इसको कर ये बेल, इसको पहले सबसे पहले कलर का जब ये क्लिक कर दिया, इसको हमें क्या करना है वो आगे पीछे कर लेना है। ये देखियो आप 3D शेप में गया हूँ मैं दोस्तों, और इसको मैं सिर्फ 2 रख लेना है, 2 रख लेना है या 1 लिख लेना है या जितना भी आपको। तो इसको इसको कुछ भी मत रखो, क्योंकि इससे पता क्या आपको लास्ट में पता लगेगा। तो डार्कनेस आप दे सकते हो दोस्तों, जितने आपकी चाहिए, जितना आपको खूबसूरत लग रहा है लोगो उतनी आप डार्कनेस दे दो। देखो कितना ही खूबसूरत हमारा लोगो बन रहा है। अभी तो देखो एम्बोस में जाएंगे हम। एम्बोस में हमेशा एक काम करना, जो बेवल है ना, बेवल सा ही सब कुछ अच्छा होता है, बिगड़ता है। ये देखिए बेवल हमने थोड़ा इसको रखा है, लगभग 2 या 3। तो इस तरह से हमें क्या कर लेना है, इसको देखो 194 या जो मैं लाइट एंगल है इसको आप देख लेना, इसको ये नहीं रखना जितना मैं कर रहा हूँ। ये आपके ऊपर दोस्तों क्या करेगा, डिपेंड करेगा कितनी आपकी चपक चाहिए और कितना आपको डार्कनेस चाहिए। ये देखिए, तो इसके बाद हमारा जो इंटेंसिटी ये होता है नीचे वाला टूल, इसको इंटेंसिटी इसको आगे पीछे करके देख लो, चमक कर लानी है। ये देखो कितना ही खूबसूरत हमारा लोगो बन के तैयार हो चुका है दोस्तों। अब इसके बाद में जो हमारा काम, असली का मेन काम जो आता है ना दोस्तों, ध्यान से देखो, इसको ट्रांसपेरेंट पे आपको सेव कर लेना है, क्योंकि आपको समझ में आएगा बाद में। जो ये लोगो है ना, ये इसके बैकग्राउंड में हम कलर कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो आपके पास है यह आपको सेव कर लेना है अल्ट्रा पे। देखो कुछ इस तरह से, जैसे मैंने सेव कर लिया है दोस्तों। इस तरह सेव करने के बाद में दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा जो काम शुरू होता है, इसका बैकग्राउंड का काम देता है, वो तो हमने सेव कर लिया है दोस्तों। अब होता है हमारा बैकग्राउंड का काम। तो बैकग्राउंड आप देख सकते हो कौन सा आप देना चाहोगे, कौन सा नहीं। तो मैं पहले ब्लैक कलर का ये बैकग्राउंड दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो कितना ये लगेगा, यार इस पर भी बैकग्राउंड पे भी ये भी देखो अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो ये भी आपको, ये आप थोड़े एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो उसको मैंने बैक किया, अंडू किया, और उसके बाद में आप दोस्तों हम और कई कलर लेंगे। फिर 2 कलर में दिखा दूंगा फिलहाल आपको, फिर आपकी मर्जी है, चाहे 1000 कलर लगाओ आपके बैकग्राउंड के पीछे। तो चलते हैं, मैंने एक ये ब्लू कलर का, ब्लू एंड ब्लैक का ये वॉलपेपर मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ये देखो कुछ इस तरह से हमें सेव कर लेना है। सेव करने के, सेट करने के बाद में दोस्तों, और इसके पास में से 2 बैक कर देंगे। ये देखिए ध्यान से देखो, सबसे पहले मुझे क्या कर लेना है, ये देखिए ओके।